देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। The person who came, my friend who came before me, her name was Navika Balotia. She likes to eat chocolates, but she does not like to repeat anything. My name is Ranveer Singh Chopra. I like to draw, but I don't like to dance. Very good. Friends came before me. Her name is Navika Balotia. She doesn't like to repeat anything. My name is Vedika Tulsian Agrawal. I like to dance very much. The first friend of mine was Navika Balotia. She like eating chocolate and dislike repeating things. The second friend of mine was Ranveer Singh Chopra. He likes drawing. He do not like dancing. The third friend of mine was he likes drawing. The third one was Vedika. She likes drawing. She likes dancing, and she doesn't like drinking milk. The fourth one was Darsh Balotia. He doesn't like. I am Varnika Nevar, and I love art and craft, and I hate studying. Okay, big hand. My name is Navika Balotia. I don't like repeating anything. I like eating chocolates and ice creams. Very good. My name is Dhara Jain. I like to dance. I dislike to drawing. Six friends came before me. First one was Navika Balotia. She likes eating chocolates and ice creams and does not like repeating. The second one was Ranveer, and he likes. I am Vishal Agarwal. I like cricket and badminton, and I dislike eating chocolates. My name is Darsh Agarwal. I like football and cricket, and I dislike vegetables and studying. My name is Pranshu Agarwal, and I like to play video games, and I dislike green vegetables. I am Vedika Mal. I dislike maths, and I like dancing. I'm Ashna. मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, एंड आई डोंट लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स एज वेल. पढ़ाई से बहुत नफरत है मुझे. माय नेम इज पीयूष कुमार, एंड आई लाइक स्पोर्ट्स एंड मैथ्स, एंड आई डोंट लाइक बीइंग इग्नोर्ड, सेम एज पलक. यू नो देयर इज अ पर्सन गोइंग टू कम एंड सेल यू अ प्रोडक्ट, एंड यू हैव टू बाय अ प्रोडक्ट. ओके, सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. पेन की ताकत से आप सब वाकिफ है, तलवार से भी ज्यादा होती है. हम लिखते जरूर, तलवार से हम लोगों के सर काट सकते हैं और खून फैला सकते हैं, पर पेन एक ऐसी चीज है जिससे कि हम जिंदगी बना भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं. आपको क्या लगता है कि मैं पेन बेचने आया हूं यहाँ पर?
मेरी एक नई पोइट्री जो मैंने लिखी है, कलम या की तलवार, जरूर पढ़िएगा, जिसमें हम दिखाते हैं कि कलम तलवार से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हर जगह हर बुक स्टोर पे आपको मिलेगी मेरी बुक कलम या की तलवार। प्लीज गो एंड बाय इट। थैंक यू। देवी और सज्जनों, ये क्या है मेरे हाथ में? क्या है ये? एक पेन, एक सुई। जितना ये हमारे लिए यूजफुल है, सोचिए उतना छोटी से छोटी चीज के लिए यूजफुल है हमारे लिए, लेकिन उतना ही डेंजरस हमारे छोटे बच्चों के लिए। क्या आप अपने बच्चों को पेन में देख सकते हैं? उनको तकलीफ में देख सकते हैं? अगर ये उनके हाथों में गड़ गया तो? नहीं ना। तो जब आप एक सुई की दर्द नहीं सह सकते आपके बच्चे, और आप उनकी वो दर्द नहीं देख सकते, तो क्यों उनको पोलियो के दर्द से जूझता हुआ आप देखना चाहते हैं? सही समय पे अपने बच्चों को पोलियो की दो बूंद दीजिए, दो बूंद जिंदगी की। ये है हम लोग का अनोखा माल। अगर आपको चाहिए तो आप इसको अभी जाके लीजिए, और इसमें अनोखा लॉक है, लॉक नंबर पीछे लिखा हुआ है, और अगर लॉक को दबाएंगे आप तो जादू से खुल जाएगा। Life's a race and we have to win it at any cost. Time keeps ticking away in the watch and we can't stop time. It's not in our hands. But yeah, sometimes we want to turn the hands of the clock backwards. But that's not possible. The fact is that how matter how hard we try, we can't stop time. We have to accept it. And अपने लाइफ को सवारने के लिए आप इस मॉडल की पर ध्यान दीजिए। इसमें है मॉडर्न से मॉडर्न फैसिलिटीज। सुबह थारिया। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्णिका नेवा, द वेरी फेमस पेंटर। और अगर आप चाहते हैं मेरे जैसे पेंटिंग्स बनाना जो कि बहुत ही ब्राइट और अट्रैक्टिव हैं, तो यूज़ कीजिए ये पेंट्स जो आपके पेंटिंग को बहुत ही अट्रैक्टिव, ब्राइट और ग्लॉसी बना सकते हैं। थैंक यू। ये है वैक्स क्रेयॉन्स। ये बहुत ही अनोखा कलर्स है। ये बहुत ब्राइट और स्मूथ है। इसमें 12 शेड्स के कलर्स है। अगर आपको, देखिए इसमें क्या है, छोटा भीम, जो बहुत ही लोग को पसंद है। अगर आपको ये चाहिए, ये दुकान में बहुत ही जगह अवेलेबल है। जल्दी से आइए और इसे लेके जाइए, अनोखा वैक्स क्रेयॉन्स। ये देखिए, ये एक सीजर। आपको पता है कि ये सीजर की क्या कीमत होती है? ये सीजर बाल काटने के लिए यूज़ हो सकता है, और ये सीजर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है। इधर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। कुछ लोगों का इसका शौक नहीं है। ये बात हम गर्ल्स के लिए बोल रहे हैं। गर्ल्स को उनके कॉलेज और स्कूल्स में हेयर स्टाइल्स करने का बहुत शौक है, और उन्हें वो लोग यह चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स इनसे जले। तो आइए हम लोग के सैलून और अपने बाल कटाइए और जलाइए अपने दोस्तों को जितना आपको जलाना है। Speaking, because some once new idea and make it. Yes, very good. We should one by one, otherwise we'll not be able to understand what people. You're going to put up your hands and then you're going to speak. Huh? You start speaking. Imaginary thing that we have to imagine and create the thing. Okay. That to the creation and the creator. Okay. And it should be the creator. Yes, very good. Excellent. सबसे ज़्यादा beautiful part creative writing की ये होती है कि यू हैव टू राइट विथ योर ओन हार्ट।
इसमें कोई ग्रामर नहीं होता, इसमें कोई क्रिएशन, मतलब इसमें कोई फैक्ट आपको यूज नहीं करना है, और बस आप लिखो जो चीज आपको फील होती है वो लिखो, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग। अब नाउ देयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। जब हम स्कूल में एसेज लिखते हैं, Die Hard movie, of course every movie is a creative writing, no movie is a fact except it is made on a fact, like Nirja is not a creative movie because it is a based on fact. What exactly creative writing means? It means what you believe it means. What does it mean? What do you believe it means? What do you believe? The debate will never finish, but I do believe that it is both an art and a craft. Now we are going to start with a very interesting game of the day, where all of you are going to introduce your buddy. Okay? So all ready? Yes, ma'am. I cannot hear. All ready? Yes, ma'am. The rule is, this is what? A rope. Yeah. Rassi. Apna haath aage karo. जितनी देर ये रोप खत्म नहीं होता आपको ये टाई करना है, इसको ऐसे बोल, इसको फोल्ड करते जाना और पोलता जाना, जब तक कि रस्सी खत्म नहीं होती है। माय बडी इज नताशा भीमसरिया, शी इज नॉट अ होमसिक पर्सन, शी हेट्स मैथ एंड शी लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, She is a health conscious person. She likes to eat salads, beverages, and she likes to eat fruits, salads and juices. Her favorite actor is Hrithik Roshan. Her favorite actress is Alia Bhatt and Deepika Padukone. Her favorite singer is Diljit Dosanjh. And finish. Very good. My buddy's name is Darsh Agarwal. He likes, he dislikes eating green vegetables and studying. He likes cricket and football. His favorite subject is biology. My buddy's name is Piyush Konar. He was born on 7th November 2002. He likes to play football and do maths. His dislikes are to being ignored. His father's name is Piyush He likes football and playing video games, and he dislikes green vegetables and doing maths. Just a quick capture of what we did one by one. One point everybody's going to say. We start from Natasha. Come on. We learned what is creative writing and technical writing. In creative writing, it comes straightly from heart, and it doesn't need any. It doesn't have any facts. And then in technical writing, there are some rules for it, and there should be some facts in it. The communication, and one has to know effective communication before in public speaking. Okay. Apple and a tray. The word is apple and tray. You need to combine these two words and you need to make a story which is based on apple and tray. Both apple and tray should be the important character of your stories. Both apple and tray should be the important character of your story. There lived two brothers, Novel and Fable. Novel was very long, but Fable was very short, and they both were great authors. So one day Novel and Fable decided to write another story, but they could not make out the topic of the I and my sister Kriti lived in a different world where the currency was called eclipse. We going to the studio. Jinko sawal puchna hoga, wo haath utha ke puchenge. First, be observant enough. Isme hum quiz puchenge aap logon se. Pin drop silence. Okay. Now we're going to go to the visit of a studio
of a TV channel which is popularly known as Taza TV. Okay? You're going to see how a media channels work. आप हर दिन न्यूज देखते हो, कार्टून्स देखते हो, चीजें रोज टीवी देखते हो, पर चीजें टीवी में कैसे आती है, हाउ इज इट टेलीकास्टेड, हाउ इट इज एड, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी? स्लोली, यस, इसको मैं शो में थम्स अप. ये देखो, जब हम भूत का सीरियल देखते हैं, कोई हॉरर मूवी, उसमें सिर्फ सर दिखाता है, तो वो ऐसे दिखाता है. इट्स नॉट दैट कि उसका सर सच में कटा होता है, वो इस तरह से दिखाता है. ये ग्रीन क्लॉथ, समझ में आ रही है चीजें? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द न्यूज डेस्क. पे बैठते हैं और पीछे ये स्क्रीन बेसिकली क्या होता है, न्यूज रीडर्स यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, न्यूज रीडिंग करते हैं, या फिर ये पैनलिस्ट के लिए यूज किया जाता है. सपोज एक डिबेट हो रहा है जहाँ पे पैनल्स में तीन या चार स्पीकर्स बैठे हुए, यू सीन डिबेट्स ऑन डिफरेंट चैनल्स, द पैनलिस्ट सिट हियर एंड दे डू द डिबेट. व्हाइट भी क्रोमा होता है, ऑरेंज भी क्रोमा होता है. कंप्यूटर क्या करता है कि यू हैव टू सेलेक्ट कंप्यूटर वन कलर, यू हैव टू सेलेक्ट अ कलर. व्हाट कंप्यूटर डज, वो कलर को उस इमेज से डिलीट कर देता है. ये आपने देखा, अब इसके ऊपर में फिर हम एक और मशीन से इसके ऊपर में लोगो, टाटा टीवी का लोगो, नीचे में न्यूज़ होता चला रही है, टिकर्स होते हैं, सुनो कास्ट, ये टाइमलाइन, इसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन. जो भी तुम लोग एडिटिंग किस में करते हो, विंडोज मूवी मेकर में कभी एडिट किया कोई भी वीडियो? ठीक है, उसमें टाइम लाइन आता है, तो अननेसेसरी पोर्शंस को डिलीट हटा दिया, डिलीट हो जाएगा, और दो तीन अलग अलग वीडियोज को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके पीछे एक म्यूजिक डाल सकते हैं. I'm Vishal Agarwal. I'm reporting live from Taza TV studio. And my dream is to become a cricketer. I got a bat. I was gifted with a bat when I was very small. My name is Ranveer Singh Chopra. I'm reporting from Taza TV live. My dreams are, I want to become a director of a movie. I always see dreams in which I am a director and I made such a film that is a blockbuster hit in the whole world. Hello, I am Vatsal Neva and I am reporting from Taza TV Live. My school's name is Don Bosco School Park Circus. I study in class 2. Hi, I am Yash Patodia from Taza TV Studio. My age is 14. I am in class 9 from DPS Mega City. My hobby is to play a synthesizer. I like listening to music. So, subject में आप कभी भी ये 5 sense organs को use नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर कोई subject में ना, इसीलिए मैंने बोला कल कि be observant. जो मैंने आपको topic दिया, आपको क्या करना है? आपको एक subject pick करना है, not the object. You have to pick the subject. Quickly, this थोड़ा-थोड़ा बोलना है, एक-एक दो-दो line, but confidently. Maybe you just give me 3 informations about that subject. Hi friends, I'm going to tell about black money, which is earned by unfair means. Black money is something which is earned by unfair means by businessmen, politicals, and all the VIPs in politics. Black money is earned by not showing the actual income to the income tax department. Like if your income is 20 rupees, you only show 10 rupees to the department, and the other 10 rupees is the black money. Love, I believe, is something which is very different from what we think, you know, we teens think. बहुत लोगों को लगता है कि प्यार हाय किसी को देख लिया तो हो गया. It's trust me, it's way beyond that. Even, you know, words में express करना what is love is not easy. And it's not limited only to your partners, you know. My favorite
My favorite subject is history. When we divide into two halves, it can also be written as his story. I was very weak in history at the first, but when my mother told me about this, I saw it interesting because it contains the glorious past of India and the Mughals and the British. So whoever thinks history is a hard subject, so they would like his history if they would divide it into two halves. Thank you. My ambition is to be a cardiologist. A cardiologist means a heart specialist. It is my father's dream to make me a heart specialist, and I also want to be a heart specialist, a person who treats poor for free. I want that all my treatments are successful. And I know that they are going to get me a surprise. Whoever knows, that it will be a great surprise or an exciting one. Laughing always made me think that how easy it is to laugh. But I thought how hard it would be to bring a smile on other person's face. Feel as if it is raining and all of you are playing in the rain. Aur aapko isme likhna hai how was the experience of your class, about whatever you felt, the goods and the bads and your feelings, your emotions. Dil se likho. This is your canvas. कोई बात नहीं, म्यूजिक चलेगा, आंखें बंद कीजिए और डांस कीजिए. यू विल बी अवार्डेड फॉर दैट ओनली. All the parents, on the behalf of Chetus and Taza TV, we are very, very glad and happy to have you over here to this edutainment camp of 2017. Camp to aapne bahut sare dekhe honge, bahut sare bachcho ko bheja hoga, but just to know what is the main important thing about this camp. Public speaking is something very, very simple. The first place that they don't know that it is a skill, it is no talent. लोगों को लगता है कि जो स्पीकर्स है भैया वो तो भगवान के यहाँ से बॉर्न होते हैं इस टैलेंट को लेके. लेट मी मेक इट क्लियर, इट इज नॉट एट ऑल अ टैलेंट. इट इज अ सिंपल स्किल जो कोई भी अपने लाइफ स्पैन में डेवलप कर सकता है, बिल्कुल आराम से डेवलप कर सकता है. बट द ओनली की इज प्रैक्टिस. यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. यस, टू क्लोज द आईज एंड जस्ट टू मेडिटेट. आधे लोग सो रहे हैं, किसी ने आँख खोल के रखा है. मैं ताज़ा टीवी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये पब्लिक स्पीकिंग का बच्चों के लिए 5 दिन का प्रोग्राम रखा. इसमें बच्चों के टैलेंट के साथ साथ बच्चों को खुद को भी पता चला भी उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट था जो पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में. मेरी बेटी जो कि यहाँ पर 5 दिन के लिए आई थी, दैट वॉज हर फर्स्ट वर्कशॉप एंड शी वॉज वेरी नर्वस अबाउट टू अटेंड दिस वर्कशॉप, बट आफ्टर दिस 5 डेज आई एम सीइंग द कॉन्फिडेंस इन हर नाउ. ये क्लास अटेंड किया 5 दिन का वर्कशॉप एंड ही वॉज वेरी वेरी थ्रिल्ड, हैप्पी एंड एक्साइटेड. एवरी डे उसका एक अलग एंथुजियाज़म रहता था कि उसको ये पर आना है. एंड देन आई रियलाइज्ड स्कूल में भी वो अच्छा क्रिएटिव राइटिंग लिखता था, बट पेपर में आया उसका क्रिएटिव राइटिंग, उसको इतना सराहना मिला. एंड मतलब रोज़
मतलब ही वॉज वेटिंग कि नहीं मेरे को आज कैंप में जाना और नेक्स्ट कैंप में भी मैं इनरोल्ड हो चुका हूँ. And I got an amazing feedback. The like he was thrilled to be here. These 5 days were filled with fun. He loved the food. He loved the teachers. He loved everybody here. He made very good friends. And I am glad. Like that. It was a very fun experience coming to this workshop. It was a 5 day. I thought it was a very boring workshop. Then I came to know it was very fun. I made new good friends. I learned about many things I didn't know about. I think I could make a career in my future.